हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एम पर। मैं राजारण आपके लिए लेकर के आऊँ आज अरिहंत का थर्ड चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंप्लीट सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो यही है, स्क्रीन पर क्या मेरे बगल में दिख रहा होगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है करेंट जो होता है ना, जो करंट है ये हमारा, ये करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी किस रफ्तार से चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में, है ना। तो इसी को बोलते हैं करंट। तो हमको यहाँ पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ड्यूरिंग 2 to 6 सेकेंड इज, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया उस वायर से, ये पूछ रहा है। तो क्या हमको ये बात पता है क्या कि डी क्यू इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ डी टी होता है ना। तो अगर हम पूछें क्यू नेट नेट कितना फ्लो किया था, हम इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे तो आई डी टी हो जाएगा, है ना। समय कितना दिया, 2 से लेकर के 6 सेकंड के बीच में। अब देखो करंट का हमको फंक्शन लिखा हुआ है 4 + 2t, ठीक है, करंट का हमको फंक्शन दिया हुआ है 4 + 2t। तो आई की जगह पे लिख देंगे 4 + 2t, है ना, इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 6 सेकंड के बीच में। तो यहाँ पर से इंटीग्रेशन 4 dt हो जाएगा, अब प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू डी टी 2 to 6 सेकंड के बीच में। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर करंट जो है बेसिकली टाइम पर डिपेंडेंट दिया हुआ है, यानी समय के साथ करंट बढ़ रहा है, ये हमको दिख रहा है। यहाँ पर समय का वैल्यू जब 0 है तो करंट जो है हमारा 4 एम्पियर का होगा। करंट का वैल्यू अगर समय का वैल्यू 1 सेकेंड है तो करंट का वैल्यू हमारा 6 एम्पियर हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर से हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स पे पावर एन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स व एन प्लस वन बाई एन प्लस वन एन होता है। तो यहाँ पर 4 हमारा क्योंकि कोएफिशिएंट है, हम इसको बाहर कर लेंगे, डी टी इंटीग्रेशन टी हो जाएगा 2 to 6 सेकेंड, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और टी का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, सिमिलरली जैसे हमने पीछे ये फॉर्मूला देखा था, 2 to 6 हो गया। हम ये बात कह सकते हैं इस पूरे कहानी में कि ये वाला जो चीज़ है 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 4, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये क्या है हमारा बता दो, अपर लिमिट, है ना, और इसको हम कह सकते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोलें टी की जगह पे 6 - 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, और यहाँ सॉरी प्लस में 6 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 4 times 4 प्लस में 36 - 4, यानी कि 16 + 32। तो आई होप 8 और यहाँ से 4 आ जाएगा जो कि बी के साथ मैच कर रहा है। आपको यहाँ पर समझना ये था कि जो करंट है ये होता है चार्ज के फ्लो का रेट, चार्ज के फ्लो का रेट यानी किस रफ्तार से चार्ज का फ्लो हो रहा है, किस रफ्तार चार्ज का फ्लो हो रहा है वायर में, ठीक है। आपने पीछे का माइंड मैप वीडियो देख लिया होगा, उसमें पहला ही फॉर्मूला यही मिला था, है ना, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो नेट चार्ज का फ्लो होता है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। यहाँ पर इस सवाल में हमको क्या क्या हो सकता है, I के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दे सकते हैं ये, जैसे सपोज कर लेते हैं I के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें आपके लिए हम कह दें तो I का वैल्यू क्या क्या दे सकता है, यहाँ पर से सपोज करो 3 पावर t कर दिया, ऐसे इतना तो देगा नहीं लेकिन अब दे भी सकता है ना। तो 4 - 3t कर लिया ऐसे, ठीक है। करंट का वैल्यू कुछ और दे सकता है, 3 sin t कर देगा, ठीक है, ये साइनसोइडल करंट हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का उम्मीद कर सकते हैं जो कि बोर्ड में आएंगे इस क्वेश्चन के बेस पर। समझ में आ गया बात, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट। एक लैम्प है हमारे पास, एक बल्ब है, है ना, एक बल्ब हो सकता है, बल्ब समझते हो ना, इस बल्ब से होकर के कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास कर रहे हैं इन 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, और हम यहाँ जब भी बात कर रहे हैं तो SI सिस्टम में बात करेंगे ही करेंगे, ये बात तो दिमाग में रखना है। तो 60 सेकेंड में ये पूरी कहानी हो रही है। एम्पियर दिया हुआ है 300 mA, ठीक है, 300 mA का मतलब 10⁻³ दिया हुआ है हमको। तो कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पास किए हैं। हम एक बात कह सकते हैं क्या कि जो करंट जो भी आने वाला है ऑन एवरेज इसमें, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, NE by T, टोटल चार्ज का फ्लो, है ना, टोटल चार्ज का फ्लो बाय टाइम।
हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछा है। तो एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टाइम्स ऑफ टी, तो एन क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई। तो करंट कितना है हमारे पास, करंट है हमारे पास 300 मिली एम्पियर, और टाइम देकर रखा है इसने 60 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × −19 कूलम्ब। हम इन सबको सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया बात, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या मैं सॉल्व करूं, क्या आ जाएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सुन रहे हो उसको। अच्छा कर दें, ऐसे करोगे 30 × 100/16 × 10⁻³ और प्लस में 19 हो जाएगा, नीचे का और अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, है ना, 16 से 6 जा सारे होते ना ये से, और फिर 6 × 3 = 18। अच्छा 6 × 3 = 18 है ना, 1875 के आसपास में आ रहा है ना, हाँ ऐसे कुछ। ठीक है, × 10⁻ देख लो, 19 में 3 चला गया 16 हो जाएगा इतना, और 2 डिजिट इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 18। आई थिंक सी इज करेक्ट आंसर, है ना, तो 6 सी नंबर आ जाएगा 18, 1.875 × 10⁻¹⁸ कूलम्ब, ये आंसर है हमारा। ओके समझ गए बात को। यहाँ पर पूछ रहा था कि लैंप के अंदर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं वो पूछा था इस सवाल में। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, बहुत इजी सवाल था, है ना। अब आगे अगला सवाल है, आई टी कर्व दिया हुआ था। आई टी कर्व में हमको ये पता होता है कि अगर हम अभी फॉर्मूला जो देखे थे कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डी टी, तो क्यू नेट क्या होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, और इसी को तो बोलते हैं एरिया अंडर आई टी ग्राफ। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है एरिया, एरिया इनक्लोज कर लेना है। अब पूछा है कि चार्जेस का फ्लो वगैरह बता दो कितना हो रहा है, उसका रेशियो बता दो कितना हो रहा है। तो क्या मैं कह दूं कि 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज का फ्लो हुआ है, तो मेरे को एरिया चाहिए होगा। इसका चार्ज का हम वैल्यू Q1, इस वाले में Q2, इसमें Q3 कह देते हैं। तो क्या Q1 के बारे में हम बता सकते हैं, Q1 का वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ कितना यहाँ पर 2, अब ब्रेथ कितना दिख रहा है 1, तो यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 कूलम्ब का चार्ज फ्लो किया है 2 सेकेंड में, है ना। और अगर हम पूछें कि Q2 का वैल्यू कितना है, इसका है 1 और इसका ये हो गया 2, तो यानी कि 1 × 2, इसमें भी 2 ही कूलम्ब है। और Q3 का वैल्यू कितना दिख रहा है, ये तो ट्रायंगल है क्या, तो ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, यही हो जाएगा यहाँ पर। तो हाफ ऑफ बेस कितना दिख रहा है यहाँ पर से, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 दिख रहा है, और हाइट हमको दिख रहा है यहाँ से तक, ये भी 2 ही दिख रहा है। ओहो तो ये भी हो गया हमारा 2 ही कूलम्ब, यानी 1:1:1 हो जाएगा क्या। देखो तो Q1:2, Q2:2, Q3 पूछा है, इसका मतलब 1:1:1 हो गया सी, और मतलब 2:2:2:2 को कट जाएगा, नहीं बुझेगा, समझ रहे हो आप को, मामला समझ में आया। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। अब इस तरह के सवाल आ सकते हैं बोर्ड में, बोर्ड में क्या आ जाएगा, सिंपल सा एक कर्व दे देगा, बोलेगा कितना चार्ज फ्लो किया, सपोज कर लो किसी में यहाँ से तक का चार्ज ही पूछ लिया है ना, तो इस तरह के सवाल, या फिर नेट चार्ज कितना फ्लो किया। अब इसमें क्या सवाल पूछ सकते हैं, नेट चार्ज कितना फ्लो किया है, तो मेरे को पूरा एरिया निकाल करके ऐड कर लेना था, तो पूरा एरिया देख लो है ना, ये तो निकाले 2 + 2 + 2, ठीक है, यानी 6 कूलम्ब का चार्ज फ्लो किया है पूरा का पूरा 5 सेकेंड में। ये सब सवाल आ सकते हैं बोर्ड में, बाकी जो सॉल्यूशन उसके हिसाब से सी आंसर है। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जेनी याद है, जे बाय एनी, और क्या होता है A टाऊ, ए टाऊ मतलब ई बाय एम इंटू टाऊ। फॉर्मूले पता होने चाहिए, एकदम सिंपल सा चीज़ है, और इसी के हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा, है ना, चीज़ों को समझ सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, साफ दिख रहा है कि ये रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट रिलेशन में चल रहा है, ऊपर में दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ये सिंपल सा बात हमको ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ से, इज दैट ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन लिखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ वगैरह दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, और 0.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मोबिलिटी पूछ रहा है।
क्या पूछा है? मोबिलिटी, याद है मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? म्यू का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है नहीं। क्या अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, है ना, ओम्स लॉ क्या है? वो क्या कहता है? ड्रिफ्ट जो करंट डेंसिटी है वो इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। अब ना तो यहाँ पर करंट डेंसिटी दिया हुआ है, ना ही सिग्मा दिया है, ना ई, ई तो हमको निकालना ही है। तो हम लिख सकते हैं ई का वैल्यू जे अपॉन सिग्मा। जे क्या होता है? करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, याद है? और सिग्मा क्या होता है? 1/ρ, याद है इतना बात? अच्छा ठीक है, और लिख सकते हैं आई के जगह क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू वी बाय रेसिस्टेंस, याद है? वी बाय आर, यानी होता है आई इक्वल टू वी बाय आर होता है। अरे वी इक्वल टू आई आर होता है तो वी बाय आर होगा, है ना? इतना बात समझ रहे हो? ठीक, ओके, इतना बात तो तुमको समझ में आ ही रहा। अब आगे लिखते हैं आई की जगह इतना, रो मेरे को पता है, हाँ है, पता चल ही जाएगा, बड़ा इशू थोड़ा ना, ए हो गया। वी आर के जगह क्या लिखेंगे? रो एल बाय एरिया, आर के जगह पे रो एल बाय एरिया, है ना? आर के जगह पे लिखते रो एल बाय एरिया, और ऑलरेडी रो बाय एरिया लिखा हुआ था, तो ये सब तो कट गया क्या? समझ गया बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाए? बी बाय एल बचा। सर इतना काहे लिख गए? हम बस इतना बताना चाह रहे थे, मेरे को पता ही था ई इक्वल टू बी बाय एल होता है। देखो तुम किसी भी तरीके से जाओ, दिमाग में कुछ ना कुछ करते रहना है। हम कुछ ना कुछ चीज़ों को हम इस तरह से निकाल करके हम डिराइव कर ही सकते हैं। बहुत ही सवाल था ये, है ना? तो हमको पता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे वी बाय लेंथ लिख सकते थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे को पता है 0.5, लेंथ मेरे को पता है 2 मीटर, अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 220 वोल्ट, ये हो गया पॉइंट, हो गया 10। यहाँ से आ गया हमारे पास 10/2200, कट गया यहाँ से, तो 1/220 इतना आ जाएगा ना, तो 1/220, तो देख लो कितना आता है। आई डोंट नो, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, चेक कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अपने हिसाब से मैच करवा लेना, मैं नहीं बताऊंगा, इतना तो आता ही होगा तुम लोग। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करेंट इन द कंडक्टर। करेंट कंडक्टर के अंदर में कौन सा चीज़ डिटरमाइन करता है? दो तीन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करंट का वैल्यू क्या होता है? एन ई ए वी डी होता है, याद करो करंट का वैल्यू क्या होता है? अब एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर डिपेंड करेगा ही, कितना बड़ा एरिया है इस पर भी डिपेंड करेगा, ए हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वो इलेक्ट्रॉन जो खिंचा रहा है वो वाला। अगर मेरे को इन सब चीज़ों को देखा जाए तो चलो किस देखते हैं, ये पूछा करंट किस पर डिपेंड करता है। एक बात बताओ, सबसे पहला तो दिख गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो ए पर तो डिपेंड कर ही रहा है। थर्मल वेलोसिटी अलोन, ये थर्मल वेलोसिटी नाम का चीज़ तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो बी का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अब रहा बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी नाम का चीज़ पूरे के पूरे कंडक्टर में ऐसा कुछ है नहीं, बात समझ में आ रही है? थर्मल वेलोसिटी नाम का चीज़ यहाँ पर नहीं, कोई मोलिक्यूल्स थोड़े चल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो यानी कि ये चीज़ हमारे डोमेन में है नहीं। और डी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो करेक्ट ए आंसर है, साफ दिख रहा है ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ चार्जेस मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर, चार्जेस मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर, देयर काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो चेंज, सो दैट टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है, याद रखना टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात हमको पता है। लाग लपेटे कुछ करे हमको उसे को मतलब है नहीं। ओम्स लॉ याद करो, ओम्स का ओम्स लॉ क्या होता है? जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बस। तो देखो ये तो नहीं दिख रहा, ये तो है ही नहीं, जे इक्वल टू सिग्मा ई, बी करेक्ट आंसर, भी इक्वल टू आई आर। ओहो ओहो ओहो, फील्ड थ्योरी का भी बस, ये तो फील्ड थ्योरी से नहीं, ये तो आप लोग पहले जानते थे, है ना? इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय जे इक्वल टू सिग्मा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, समझा? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिलामेंट बल्ब के लिए, फिलामेंट बल्ब के लिए बोल रहा है,
तो एक दो चीज़ देखो ध्यान से, वी आई ए कर्व है और उसमें हमको पता है, हम जब कल परसों बता रहे थे ये चीज़ कि कैसा कैसा वी आई कर्व डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, तो उसमें बताए थे फिलामेंट कर्व के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ आता है ना, ये हम बताए थे कुछ इस तरह ग्राफ आता है। तो यहाँ पर इसने फर्स्ट सेक्शन में बताया और ये कह भी रहा है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट धीरे धीरे कर घटेगा, रेसिस्टेंस जो है बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, तो करंट का वैल्यू का स्लोप घटना स्टार्ट होगा ना वोल्टेज साथ में, तो करेक्ट आंसर ए होने वाला है। बाकी सब तो कोई भी नहीं मैच कर रहा है इस ग्राफ के, हम बताए भी थे फिलामेंट कर्व, फिलामेंट का कर्व जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये इस तरह से, ठीक है, याद रखना है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। और ऐसे भी समझ लो रस्सी में बढ़ने से करंट घटता है, तो वो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बी में तो करंट को और अच्छे से बढ़ा ही दिया है, डी का कोई सेंस बनता नहीं और सी में भी सेंस बनते हैं, वो बढ़ घट रहा है, ठीक है, चलो हटाओ। द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, अच्छा बोलोगे सर सी में और इसमें इसमें क्या फ़र्क है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि जब वोल्टेज जीरो है तब करंट जीरो है, वोल्टेज बढ़ा रहा है करंट को सडनली बढ़ाया फिर घटाया, ये नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर हम ये जो फोटो दिख रहा है इसमें दिख रहा है आई और भी, तो वोल्टेज हमने निगेटिव लिया उल्टा लगा दिया तब करंट हमको उल्टा दिखेगा ना, उसलिए ग्राफ ऐसा है, ये पॉजिटिव में उल्टा करंट का ग्राफ बना दिया है, तो ये वाला सी तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, बात समझा, तो आंसर सिर्फ ए है, आंसर सिर्फ ए है, सॉरी, हाँ ओके। एक रेसिस्टेंस ऑफ वायर आर ओ में इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेसिस्टेंस विल बी, एक रेसिस्टेंस है वायर का, सपोज करो कि यही तार है हमारे पास, ठीक है, ध्यान समझना, इसका लेंथ एल होगा, इसका एरिया ए होगा, है ना, इसका रेसिस्टेंस आर है, तो आर का वैल्यू क्या लिखोगे सर, रो एल बाय ए होता है और क्या ही लिखेंगे, ए होता है, ये हमको पता है। अब आगे की बात कर रहा है, कह रहे कि अगर हमने इस तार को मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर देने से वॉल्यूम सेम रहेगा क्या, इसको हमने खींच दिया एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, बात समझ में, यानी एन एल कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, वो एन टाइम्स घट जाएगा, ये तो समझ आ रहे हो, नहीं समझ में आया बात, समझो वॉल्यूम जो इनिशियल था है ना, इनिशियल जो था वो वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा, तो शुरुआत में वॉल्यूम कितना था ए एल, बाद में कितना हो जाएगा, नया एरिया होगा, नया लेंथ होगा, बात समझ रहे हो, तो पहले तो ए इंटू एल था, बाद में नया एरिया हमको निकालना ही है, नया लेंथ हमको पता है कि एन टाइम्स हो गया है ना, एन एल हो गया है, पहले का अगर एल था तो अब एन टाइम्स हो चुका है, एन एल हो चुका है ना, बात समझ रहे, तो ए न्यू क्या हो जाएगा, एल से एल कट गया, तो ए न्यू जो है वो हमारा हो जाएगा ए बाई एन, बात समझ में, तब कह सकते हो सर न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई, है ना, तो रो तो वही है, लेंथ हो गया हमारा एन एल, एरिया हो चुका ए बाई एन, तो कह सकते हो क्या कि एन स्क्वायर रो एल बाई ए, आप क्या है? दिख रहा है क्या, एन स्क्वायर आर हो गया, रो एल बाई ए को आर कह रहे हैं, तो ये हो गया सी नंबर का आंसर, बहुत ईजी सवाल था, इस तरह के सवाल हम लोग क्लास 10 में बनाए हुए थे, ज़्यादा कुछ है नहीं लोड लेने के लिए। 14 नंबर सवाल, हमको पता है कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो करता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, और रेसिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है, आर इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये तो होता है और तो कुछ नहीं होता। अब देखो 27 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस जो है 100 ओम दिया हुआ है, यानी कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर रेसिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, और फिर एक 117 ओम दिख रहा है, बताओ तो कितना टेम्परेचर पर दिख रहा होगा, बस ये सवाल है, अल्फा वगैरह दिया हुआ है, समझ गए बात को, यानी कि 117 ओम, यानी कि आर का वैल्यू दिया हुआ 117 और आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 100 ओम, 1 प्लस में अल्फा कितना दिख रहा है 1.70 × 10⁻⁴ और डेल्टा टी, तो देखो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाए होंगे तो इधर से बढ़ा होगा, तो हम कह सकते हैं T-27, बात समझा, T-27 बैठा था मैं। आप कहोगे सर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का यूनिट हमारा केल्विन में होता है, यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर आ रहा है तो तुमको कोई दिक्कत लेना ही नहीं है, अगर हम टी को डिग्री सेल्सियस में लें या केल्विन में लें आंसर सेम आएगा, बड़ा इशू नहीं हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1.17 इक्वल टू 1 प्लस 1.70 × 10⁻⁴ ×
सॉरी 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 सॉरी, इसको हटा दे रहा है। हाँ अगला आ रहा है यहाँ से टी माइनस 127 है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वन से घट जाएगा तो 0.17 इक्वल टू 1.70 माइनस में 4 इंटू टी माइनस में 27, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये पॉइंट उड़ गया तो 100 आ गया, ये पॉइंट उड़ गया तो यहाँ पर भी 100 आ गया। ओहो ये तो कट गया सर जी 10 टाइम्स में, और इधर से ये भी कट गया, तो क्या बचा? 10 माइनस में 3 टी माइनस में 27 कितना आ गया? उधर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा क्या? तो 1000 प्लस में 27 इक्वल टू टी, दिख गया आंसर, दिख गया ना? तो बी इज करेक्ट आंसर। पास में नहीं दिख रहा है, हम इधर इधर सॉल्व कर दें, मतलब समझ गया ना? अरे 1000 कैसे आया तुम तो लोग को समझ में नहीं आता, इतना इजी पढ़ा रहे हैं कुछ है ही नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, ऐसे करोगे जी पाप लगेगा। ठीक है तो ये कितना आ गया देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/1000 हो जाएगा ना नीचे में, और ऊपर का टी माइनस 27 इधर तो बचा है 1, तो 1000 इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 1000 इन इज इक्वल टू टी माइनस 27, टी का वैल्यू हो गया 1000 प्लस 27 इक्वल टू 10। चलो ठीक, ओह द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर केस में हम बताए थे यहाँ पर उलट जाता मामला, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी घट जाती है, कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है लेकिन सेमी कंडक्टर केस में वो घट जाता है, सिर्फ सी कंडीशन ऐसा आ रहा है, और वो भी ऐसा 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 है ना, ग्राफ देखते बता जान पता है तुम लोग को है ना, तुम लोग इतना तो होशियार हो पता होना चाहिए। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग रेसिस्टर इज, अलॉय के केस में कैसा होता है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अलॉय यूज्ड फॉर मेकिंग रेसिस्टर, रेसिस्टर के लिए क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? बहुत ही कम और पॉजिटिव है ना, रेसिस्टर बनाना है बहुत ही कम होता है और पॉजिटिव होता है, ये पता होना चाहिए। अभी देखो ऐसे ऐसे देखो ध्यान से, अभी जो सवाल बना है 1.7 माइनस में 4 देखिए तो छिट तो सही है ना, ठीक है ओके। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस विद टेम्परेचर बिकॉज, अब देखो पूरा कहानी अगर देखोगे ध्यान से, अगर ध्यान से समझोगे पूरी कहानी, तो वी डी का वैल्यू हम बताए थे जे बाई एन ई होता है, जिसको हम कहते हैं ई ई बाई एम इन टू टाउ, है ना था। अब एक बात बताओ कि अगर हम कह दें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है किसी टाउ टाइम में, टाउ समझते हो ना रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन में, अभी पहले जाकर के इलेक्ट्रॉन धक्का मारा ऐसे करके, ठीक है ये पूरा कहानी है। अब सोच के देखो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा, ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा तो बड़ा बड़े हीट करेगा, तेज़ी से हीटिंग होगा मतलब कोलिजन होगा, ज़्यादा तेज़ी से कोलिजन होगा तो जल्दी पहुँचेगा यानी टाउ कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ कम हो जाएगा, और टाउ अगर कम हो गया, अगर टाउ कम हो गया तो जे कम होगा, ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगा, कितना समझ रहा हो बात को? अब ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी क्यों कम होगा, तो सोच के देखो कि जे इक्वल टू था सिग्मा इन टू ई, अगर जे कम हो गया तो कंडक्टिविटी का क्या सीन होने वाला है, कम हो जाएगा ना। बात समझ में आया नहीं आया? यही एक पूरा कहानी, ठीक है बात समझ ना, जैसे रो का वैल्यू भी हम याद है ना एन ई स्क्वायर टाउ या एन एन डबल ई टी, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, अगर टाउ घटेगा तो सिग्मा भी घट जाएगा, ये दो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए हमें, ये सब पता है। पूरा गाना यही कि रिलेशन टाइम घटने से कंडक्टिविटी बढ़ चुका है, तब देखो ध्यान से द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, ऑब्वियसली मेटल एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग ऐसा कुछ कह सकते हैं, मगर उस फेनोमेना का जो ज़्यादा कुछ यहाँ पर रोल नहीं है, है ना। द एटम ऑफ द मेटल वाइब्रेट मोर एट हायर टेम्परेचर, ये सही बात है, मेटल हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बहुत जल्दी हीट गेन कर लेता है, यानी कि हमारे पास ए सी मेरे हिसाब से दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन अब हमको चूज करना पड़ेगा आंसर कौन ज़्यादा सही है ना इसमें से, बी का तो कोई सीन बनता नहीं है। अब मेटल है लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से हम ये कह सकते हैं जल्दी जल्दी वो हीट गेन कर लेगा, लेकिन उससे उसका कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस से कुछ डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो डी वाला हमारे किसी काम का नहीं है और बी भी हमारे किसी काम का नहीं है।
अब बचा ए और सी, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर एनर्जी बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ए और सी दोनों करेक्ट आंसर है। अब देख लेना मामला, यहाँ पर ऑप्शन देने वालों ने गड़बड़ किया है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी हैव, याद करो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, और इसमें भी ऑप्शन हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ किया गया है यहाँ पर, नहीं ठीक तो है, जे डायरेक्ट ऑप्शन ई है, ठीक तो है, हाँ सही ए करेक्ट आंसर। टू बल्ब इतना इतना कनेक्टेड विद इतना, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, याद करो पहला बल्ब है ठीक है, इसका पावर दिया हुआ है 40 वाट, दूसरा बल्ब दिया हुआ है इसका दिया 60 वाट, याद करो फॉर्मूला पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टेंस विल बी, अच्छा कनेक्टेड इन इतना इतना पावर भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बता दो, क्या लिखो वी स्क्वायर बाय पी, क्या हो जाएगा, तो बस हो गया खत्म। तो आर वन बाय आर टू पूछ रहा है, तो दोनों का वोल्टेज के लिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो 220 इंटू 220 बाय पी का वैल्यू दिया 40, उसी तरह से सेकेंड वाले का भी उसी तरह से 220 इंटू 220 और ये हो गया 60, ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो बचा साफ साफ दिख रहा है 3/2, तो डी इसका आंसर, बस सिंपल, ये बहुत ईजी सवाल था, इसमें क्या ही था कुछ करने के लिए था, है ना। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वाट हीटर इन 2 मिनट, 2 मिनट 60 इंटू 2 यानी 120 सेकेंड के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है हीट, याद करो हीट क्या होता है, क्या हम कह सकते हैं कि पावर जो होता है वो तो हीट बाय टाइम ही तो होता है, पूछा ही क्या इसमें, तो हीट क्या हो जाएगा, पावर बाय टाइम, और पावर दिख रहा है यहाँ पर 100 वाट, पावर कितना दिख रहा है 100 वाट, और टाइम दिख रहा है 2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5/6 जूल इतना, ठीक है 5/6 जूल, किलो जूल कहाँ है किलो जूल, ऐसा करेगा ये किलो वाट भी देता तो मैं बना देते, ऐसा कुछ तो है नहीं, नहीं है, है ना ऑप्शन नहीं है, व्हाट इज इट, नहीं है नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, 5/6 जूल दिख रहा है, पावर दिख रहा है 100 वाट, और 2 मिनट भी दिख रहा है हीट, देखो अब क्या बवंडर किए बताओ, हम गलती करेंगे तुम लोग कमाल कर दोगे ना जी, अच्छा तुम लोग को समझ में आ गया कि हम बवंडर किए हैं, अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, हीट इक्वल टू पावर इंटू टाइम ना हो जाएगा जी, ऐसा करिएगा सर पाप लगेगा आपको, 6×12,000 यानी 12 किलो जूल, है ना 1000 किलो जूल लिखेंगे आंसर, समझ गए ना बात को क्या हुआ था, ओके। करंट थ्रू 5 ओम रेसिस्टर इस 5 ओम वाले से कितना करंट पास कर रहा है ये पूछ रहा है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि आई एम्पियर इधर से गया होगा, कितना गया होगा आई एम्पियर, समझ रहे हो आपको, इसको बनाने के 2 मेथड हो सकते हैं, हम कौन सा यूज़ करें, केसीएल केवीएल, केसीएल केवीएल, चलो केसीएल यूज़ करते हैं, केवीएल सर केसीएल सॉल्व कर दीजिए, है ना चलो हम केसीएल सॉल्व करते हैं पहले, तो केसीएल सॉल्व करने के लिए हम एक जगह 0 मान लेते हैं, है ना, हमने इसको रेफरेंस लाइन बना दिया, क्या बना दिया रेफरेंस लाइन लगा दिया, है ना रेफरेंस बना दिया, अर्थ कर दिए या फिर कर दिए इसको अर्थ, अर्थ करते इसका वोल्टेज है 0, अगर ये 0 हो गया सर ये भी 0 और ये भी 0, ये 0 हो गया तो छोटा डंडा 0 तो बड़ा डंडा उससे 10 ज़्यादा आती है 10 हो जाएगा, इतना बात समझो, 0 नीचे वाला है तो बड़ा डंडा छोटा डंडा के बीच में डिफरेंस है 10, तो छोटा डंडा 0 तो उससे 10 ज़्यादा, इसलिए 10 करती है इसको, ठीक है ये अगर 0 है तो ये भी 0 तो ये भी 10, अगर ये 10 हो गया तो ये भी 10 हो जाएगा, बैठा रहा हूँ ना क्योंकि हर जगह कंडक्टिंग वायर में हर जगह वोल्टेज सेम, अब पूछ रहा है एक करंट बताओ, तो करंट इक्वल क्या पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है 10 - 0/5 यानी कि 2 एम्पियर आंसर, केवीएल सॉल्व कर दे, केवीएल सॉल्व करते हैं,
क्या ही करोगे इसको, केवीएल सॉल्व करके लूप लगाओगे तब भी, अरे दोनों सब सेट पाप लगेगा तुम लोग को इसे। देखो ध्यान से, मने मन कह ही रहे होगे आपको भारी पड़ रहा है सॉल्व करने में। ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, अच्छा ये 5 ओम था है ना। अब देखो ध्यान से क्या सवाल था, इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई कर रहा होगा, अगर आई यहाँ से कर रहा होगा इसका कितना गया होगा, I1 है ना, इधर से I-I1, समझ रहे हो को, अगर ऊपर से आई आया है इस साइड में I1 गया, सॉरी इस साइड में I1 गया तो इस साइड में I-I1 बन जाएगा, ठीक रहा है, अगर ऊपर से आई आया है इस साइड में I1 गया इस साइड में I-I बन जाएगा, बस इतना ही कारण था। तो अगर हमको ये बात पता है तो हम इस लूप में केवीएल लगा लेते हैं, फिर इस लूप में केवीएल लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो लो से हाई गए वोल्टेज बढ़ गया क्या, तो प्लस में 10, फिर यहाँ से तक गए तो 5I है ना, करंट की रेस में जाएगा वोल्टेज घट जाएगा, तो माइनस में 5I इक्वल टू 0, बैठा दिमाग में आ गया, तो आई का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 2 एम्पियर। चलो आगे देखते हैं, बैटरी ऑफ EMF हैज़ इंटरनल रेसिस्टेंस आर, अ वेरिएबल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वी इज द टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस, इफ आर अलोन इज अ ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट IV कर्व। ठीक, सोचो ध्यान से क्या क्या होने वाला है, एक बैटरी है जिसका EMF दिया हुआ E, बैटरी का EMF E दिया हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस R भी दिया हुआ, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस आर भी लगाया गया कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कहानी क्या होगा बैटरी के बारे में सोच के देखो, तो बैटरी है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ई है और आई ये आर हो गया, और लोड रेसिस्टेंस आर लगा के रखा गया यहाँ पर, ठीक है, स्विच वगैरह कनेक्ट करके रखे हैं, और करंट इससे निकाला गया है, ठीक है, सॉरी टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अ करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वी इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी हो जाएगा, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से अगर करंट यहाँ से जा रहा होगा तो IR होगा, समझ गया बात को, ठीक है, और अगर आई और वी के बीच में कौन सा ग्राफ बनने वाला है, अगर आर अलोन इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0 है ना, आर को अगर घटाया जा रहा है सर्किट में करंट बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात है और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है, तो अगर आर 0 इन्फिनिटी की तरफ तो नहीं जाएगा, अच्छा सोच के देखो यहाँ पर, यहाँ का ये वोल्टेज कुछ तो कंज्यूम होगा ना, इसको हम वी नॉट कह देते हैं, तो वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन IR, ठीक है, और जो भी वी आना है वो तो हो जाएगा ई माइनस में IR के ही बराबर होगा, इतना समझ रहे हो बात को। अब अगर आर को 0 किया जा रहा होगा, अगर आर 0 हो जाएगा तो इंटायर टर्म 0, तो ई जो है इक्वल टू IR हो जाएगा तब, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा, बात समझ रहे हो, तो आई अगर करंट रेसिस्टेंस 0 किया जाएगा तो आई जो है ई बाय आर की तरफ पहुंचेगा, तो आई अप्रोचेज ई बाय आर, आई अप्रोचेज ई बाय आर, और भी किसको अप्रोच करेगा, तब भी का वैल्यू हो जाएगा 0 को, देखो है ना, जब आई 0 हो जाएगा तो भी का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, ये उसको अगर 0 लिख दोगे तो भी 0 हो जाएगा, तब भी अप्रोचेज टू 0, समझ गए बात को। अगर लोड रेसिस्टेंस जो बाहर का एक्सटर्नल लोड है वो घटाया जाएगा तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी घटना स्टार्ट होगा, तो वो घटते घटे 0 हो जाएगा, क्योंकि आई को 0 कर दिया गया, और जब आई को 0 करेंगे तो ई का वैल्यू IR है वो 0 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू ई बाई आर के बराबर हो जाएगा, पास में क्योंकि रेसिस्टेंस रहेगा, ये वाला रेसिस्टेंस सॉरी इस वाले रेसिस्टेंस को 0 किया गया उसको तो रहने दिया, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये सारे, मतलब वो भी खत्म हो गया, करंट इन्फिनिटी नहीं होगा ये सोच लेना यहाँ पर। चलो अगला देखते हैं, सेम सवाल दिया है, वी आर कर्व लगाया गया है ना, सेल का EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेसिस्टेंस आर, द ग्राफ टर्मिनल वोल्टेज वी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज, बताओ ध्यान से, अभी अभी जो सॉल्व किया है तो यही है, वी इक्वल टू IR, वी इक्वल टू IR, और वी इक्वल टू आई
आर इक्वल टू ई माइनस में आई आर था, है ना था अभी देखो ध्यान से। हाँ, वी वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होने वाला है, ध्यान सुनो। वेरिएबल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, यानी कि अगर आर बढ़ेगा तो करंट घटेगा, है ना। तो चलो हम इस आई को हम रिड्यूस कर लेते हैं यहाँ से, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेसिकली ई बाय आर प्लस में आर हो जाएगा। उसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर बाय आर प्लस में आर, ठीक है। ये आ गया वी, वी और आर में यही रिलेशन है। अब सोच के देखो, अगर आर का वैल्यू जीरो है तो वी का वैल्यू जीरो है, पहला बात तो ये दिख रहा है यहाँ पर। अगर आर का वैल्यू जीरो है तो ई का वैल्यू जीरो है, तो आई थिंक जब आर का वैल्यू जीरो है तो वी का वैल्यू जीरो है, तो बी में ये सीन है और डी में ये सीन है, ठीक है। अब रहा बात कि अगर वी का वैल्यू ई हो जाए, अगर वी का वैल्यू ई हो जाए तो यहाँ पर ई का वैल्यू लिख लो, वी का जब ई, तो ई आर बाय आर प्लस में आर हो जाएगा, ये तो कट गया, तो बचा आर प्लस में आर इक्वल टू आर, आर से आर खत्म, तो आर का वैल्यू हो गया जीरो, ठीक है। सरद को अगर भी के जगह पर हम ई लिख दें तो रेसिस्टेंस हमारा रहेगा नहीं, उसका ज़रूरत नहीं है, ये वाला सीन तो बन नहीं रहा। और कह रहा है कि रेसिस्टेंस के बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है भी पर, ऐसा आ रहा है क्या, देखो तो ध्यान से। भी आर प्लस में आर इक्वल टू ई आर, है ना, तो भी आर माइनस में ई आर इक्वल टू भी आर, तो यहाँ से हो गया भी माइनस में ई आर इक्वल टू भी आर, ऐसा कुछ आ गया। मेरे हिसाब से अगर हम भी के जगह पे ई कर लें तो आर इन्फिनिटी को तो अप्रोच कर रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लें तो ये दिख रहा है भी आर बाय भी माइनस में ई, और अगर हम भी के जगह ई कर दें, अगर भी का वैल्यू ई हो जाएगा तो आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, है ना, नीचे में जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक दिस वन आर इन्फिनिटी की तरफ पहुँच रहा है तब, जबकि ये तो बी इज करेक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह ग्राफ आ जाएंगे तो। ये सब क्वेश्चन मेन वगैरह में भी आ सकता है, ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना एडवांस वाले का तो उसमें भी दे सकता है ना, बहुत इजी वाले सवाल में, है ना। तो थोड़ा ध्यान से इस सवाल को चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, हम फिर से बता देंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट सोन इट सेल हैज़ ई एम एफ ऑफ 2 वोल्ट, है ना, सबका ई एम एफ 2 वोल्ट दिया हुआ है। इंटरनल रेसिस्टेंस सबका 1 ओम दिया हुआ है, सबका 1 ओम दिया हुआ है, इसका भी 1 ओम, इसमें भी रेसिस्टेंस, इसमें भी रेसिस्टेंस है, सब में एक एक ओम है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक्सटर्नल लोड भी दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ करंट बता दो, करंट कितना होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, 6, साफ साफ दिख रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2। अब बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना, बाहर का 2 अंदर में 3, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हो गया 6 बाय 6, सही है, 3 2 5, सॉरी 1.5, 1.1, हाँ ठीक, डी करेक्ट है सर, कुछ था ही नहीं इसमें, हाँ बस। चलो देखो ध्यान से क्या है, ए और सी के बीच का द पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी इज व्हाट, तो ए से स्टार्ट होकर के सी तक पहुंच जाते हैं, तो भी ए सी पूछ रहा है, तो भी ए यहाँ से ए से बढ़ते हैं, हाई से लो की तरफ गए, वोल्टेज घट गया तो माइनस में ई वन, आर वन भी है तो करंट बेसिकली इधर से आ रहा है, तो हम लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ गया, तो प्लस में आई आर वन हो जाएगा, फिर वोल्टेज घट गए तो माइनस में ई टू, अब प्लस में आई आर टू इक्वल टू जीरो हो गया, सॉरी वी सी हो गया, सी पर वोल्टेज वी सी, तो वी ए माइनस वी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू माइनस में आई आर वन, अब माइनस में आई आर टू, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ गया। क्या हुआ इसको, अच्छा ई वन प्लस में ई टू सीरीज में, वोल्टेज क्या होता है सीरीज में, जो सीरीज वाले में पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ जाता है, तो ये कुछ इस तरह से लिख रहा है इसने, तो देखो ध्यान से ई इक्विवेलेंट यहाँ लिखा है, और माइनस में आई तो कॉमन ही आ गया ना, आर वन प्लस में आर टू सीरीज में, ये भी आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो बेसिकली ई इक्विवेलेंट माइनस में आई टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट, कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है, तो ई इक्विवेलेंट माइनस में आई आर इक्विवेलेंट, सी करेक्ट आंसर। सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाता है ना,
तो वो जोड़ दिया, ई इक्विवेलेंट लिख दिया ई वन प्लस ई टू, और रेसिस्टर में जुड़ जाता है आर वन प्लस में आर टू, इसलिए आर आर इक्विवेलेंट लिख दिया। गुड ऑब्जर्वेशन है ना, चलो तो ठीक। अच्छा, इन द सर्किट शोन इन फिगर ई वन ई टू और आर वन आर टू वगैरह लिखा हुआ है, तो कह रहे वन एंड टू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है ये पूछ रहा है अक्रॉस। बेसिकली यही जानना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, तो हमको पता है टोटल करंट कितना फ्लो करने वाला है ना, और इसका वोल्टेज निकाल देंगे तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, ये तो 10 दिया हुआ है और ये दिया है 4, ये दिया है 1 ओम, ठीक है, और इसका लोड हमको पता है, हाँ ये भी 2 दिया हुआ है, तो कुछ है ही नहीं। आई का वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना 10 प्लस में 4, बैटरी रेजिस्टेंस कितना 2 इधर 2 इधर 4, तो 14/4 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 एम्पियर, तो यहाँ पर से करंट जा ही रहा है, तो इसका जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, अरे बताओ देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कह दोनों ही सेल के बीच का टर्मिनल का वोल्टेज बता दो, तो वही नहीं था इधर का भी होगा, पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज का इक्वल टू क्या लिखो आई इंटू आर, तो आई कितना है 3.5 × 2 यानी 7 एम्पियर, ओके। लेकिन ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि ये कह रहा है कि दोनों के बीच का वोल्टेज बताओ, इसका वी वन बताओ इसका वी टू बताओ, ओके रहने दो, तो बता दो वी वन का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से ई वन माइनस में आई आर वन, ई वन माइनस में आई आर वन, ई वन कितना दिख रहा है 10 और आई कितना दिख रहा है 3.5 × 1, तो 10 में 3.5 चला गया तो 6.5 सही जा रहा है, लग तो रहा है ओके। तो करंट है हम सही बनाए, पोटेंशियल डिफरेंस 10 प्लस में 4 और ये हो गया हमारे पास 2 प्लस में 2 4 14/4 7/2 3.5 तो एम्पियर हो गया करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई वन माइनस में आई आर वन, आई दिख रहा है 3.1, ये तो सही जा रहा है, तो ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ किया हुआ इसने। अच्छा ई टू के बारे में भी देख लेते हैं, वी टू को भी देख लेते हैं, कुछ मैच उच कर जाए, ई टू माइनस में आई आर टू हो जाएगा, तो वोल्टेज कितना दिख रहा है इसका 4 माइनस में 3.5 0.5, साफ साफ गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है मैं भी ट्राई कर लूँगा, क्वेश्चन नंबर 26 चेक करेंगे इसका कि क्या सीन है ना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ हम इसको अगले वीडियो में यूज़ कर लेंगे, अगर डेटा फैक्ट सही रहा तो, इस पर टाइम पास नहीं करेंगे अभी, आगे बढ़ते हैं। 12 सेल है हमारे पास, ईच ऑफ द 1.5 वोल्ट एंड आइडेंटिकल रसे ऑफ 0.5 mA मिक्स कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एंड एम फोर विच वुड सेंड मैक्सिमम करंट, याद करो मैक्सिमम करंट का कंडीशन बताए थे, वैसे तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, याद है अगर इधर से एन सेल हो इधर से एम सेल हो तो एन ई याद है पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाता है, एन ई हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन आर बाय एम, है ना एन आर बाय एम प्लस में लोड आर, यानी बताए थे, तो यहाँ से हो गया एम एन ई बाय एन आर प्लस में एम आर, और ये तब होता है अगर हम आई मैक्सिमम की बात करते हैं, फॉर आई मैक्सिमम तो एन आर का वैल्यू एम आर के बराबर हो जाता है, ठीक है बस खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास करें कि 12 सेल्स हैं, तो बेसिकली एन एम का वैल्यू दिया हुआ है 12, पहला कंडीशन हमको पता है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/m, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/m, और सेकेंड रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं, तो एन के जगह पर कहते हैं 12/m इंटू आर का जगह कितना है स्मॉल आर 0.5 इक्वल टू कैपिटल एम, और लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1.5, ठीक है ये तो तीन बार में ख़त्म, 3 से ये 4 टाइम्स में ख़त्म, तो 4 इक्वल टू एम का स्क्वायर, तो एम का वैल्यू हो गया 2, एम का वैल्यू 2, तो एन का वैल्यू 6, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे सवाल होते हैं इस तरह के और ये आते हैं, ठीक है बोर्ड्स में आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बोर्ड्स में आने के चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, मेंस में आएगा, ध्यान से इसको बना लेना है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करेंट लॉ, ये तो सीधा सीधी पता है तुम लोगों को, चार्ज का कंजर्वेशन प्रिंसिपल है,
और नेट अल्जेब्रिक सम एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये दो बात हमें पता होने चाहिए। तो टोटल सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो, नेट नो करंट कैन लीव एट जंक्शन विदाउट सम करंट एंटरिंग इट, है ना, ऐसा कुछ है। नेट करंट फ्लो एट जंक्शन इज पॉजिटिव, गारंटी नहीं है। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो, ये सही है ना, ये करेक्ट आंसर है। तो अल्जेब्रिक सम है ना, आया प्लस लेंगे, गया माइनस लेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ बनता है। टोटल सम ऑफ करंट नहीं करेंगे ये, है ना, मीटिंग जितना सारा करंट आ रहा है सबको जोड़ कर जीरो नहीं कर देंगे, जितना आया जितना गया सब जोड़ करके जीरो करते हैं, है ना, ये बात याद रखना है। और लो आ गया, क्या ही करें, करा कि फाइव करंट में इतना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इन फिफ्थ कंडक्टर, इसमें कितना करंट जा रहा है ये बताओ। तो बहुत ईजी सवाल, इसको कुछ करना तो नहीं ना, जो आ रहा है वो प्लस में है, जो आया है वो जाएगा भी, अब प्लस में आई इक्वल टू जीरो, तो साफ साफ दिख रहा है, वन प्लस में आई इक्वल टू जीरो, आई का वैल्यू माइनस वन हो गया। तो अब देखो माइनस वन, हम यहाँ पर प्लस लिखें, प्लस मतलब आ रहा होगा मेरे हिसाब से, अच्छा हम यहाँ पर जा रहा होगा तो माइनस लिख लेते हैं, तो माइनस ही कर देते हैं, ये वन हो जाएगा। तो बेसिकली करंट मूविंग अवे फ्रॉम इट, है ना, तो वन एम्पियर अवे फ्रॉम एक्स, दैट्स इट, कुछ था ही नहीं उसमें। हाँ अब आगे देखें, करंट आई वन एंड आई टू थ्रू रेसिस्टर आर वन एंड आर टू इज इतना 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 वगैरह वगैरह वगैरह, बताओ क्या होगा। ध्यान से, बहुत ईजी सवाल था ये, तो हम केसीएल से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो ई वन के बारे में क्या ख्याल है, ई वन का वैल्यू दिया हुआ है 3 वोल्ट, ई टू का वैल्यू दिया हुआ है 3 वोल्ट, और ई थ्री का वैल्यू दिया हुआ 2 वोल्ट, आर वन का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, और आर टू का वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम दिया हुआ है। करंट चाहिए इसको। अब इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर हम यहाँ पर एक जीरो बना दें, क्योंकि हम अगर इसको रेफरेंस बना देते, किसी भी जंक्शन को बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, हम ऐसे ही सॉल्व कर लेना है इसको। और मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन ये होता कि हम, अच्छा ठीक है देखा जाएगा, ठीक है बढ़ते, ध्यान सुनना, हम किसी को पकड़े जीरो कर सकते थे, जीरो कर लिए इसको, अगर जीरो किए तो बड़ा डंडा जीरो, ये छोटा डंडा 3 हो जाएगा कम, तो माइनस में 3 हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा डंडा जीरो तो छोटा डंडा माइनस में 3, ये हो गया माइनस 3, यानी कि ये वाला डंडा माइनस 3 उससे भी 2 कम, तो माइनस में 5 हो जाएगा ये, और ये माइनस 3 है तो ये भी हो गया माइनस में 3, और ये हो गया 0, ठीक है। अब तो पूछ रहा है, जो ख़त्म हो गया सवाल, कुछ तो है ही नहीं इसमें, तो ये पूछ रहा है आई वन बता दो, तो आई वन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, साफ साफ दिख रहा है कि माइनस 3 ज़्यादा है और माइनस 5 कम है, तो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस में 5 बाय रेजिस्टेंस कितना 10, यहाँ से हो गया माइनस में 3 प्लस में 5 बाय 10, यानी कि 2 बाय 10, 0.2 एम्पियर आई वन आ रहा है, तो आई वन 0.2 एम्पियर, आई टू भी जीरो, इसमें भी दिख रहा है 0.2। अब आई टू ढूंढो कहाँ है, आई टू कहाँ मिसिंग हो गया, आई टू किधर है, आई टू किधर है इसका, मेरे को आई टू नहीं दिख रहा, मेरे को आई टू नहीं दिख रहा, ठीक है, मेरे को आई टू कहीं नहीं दिख रहा हमको स्पीकर में, तो देख लेना तुम्हारे बुक में अगर कहीं आई टू होगा तो उसमें से, है ना, हम आई थिंक इसमें आई टू यही होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही रेसिस्टेंस इसी में पूछ रहा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस में 3, है ना, 0 माइनस ऑफ माइनस में 3 बाय रेसिस्टेंस है 30 ओम, यहाँ से हो गया 3 बाय 30 मतलब 1 बाय 10 यानी 0.1 एम्पियर, या दैट्स मिसिंग था यहाँ पर आई टू, वो यही है, ठीक है, रेसिस्टेंस पूछ रहा होगा और कुछ नहीं पूछ सकता था इसमें। अल्जेब्रिक सम वोल्टेज अराउंड द एनी क्लोज लूप केवीएल है क्या ये तो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नेट पोटेंशियल ऑफ एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, है ना, हमें पता ही है। अब जो बोल रहा है भी, ये भी बताओ, अभी पीछे भी सवाल था वही सवाल अभी फिर से आ गया, है ना, तो भी ऐसे स्टार्ट करेंगे हाई से लो की तरफ, करंट ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई से लो, है ना, तो ये घटेगा, तो 2 इंटू 2 फिर हाई से लो माइनस में 3 फिर और घटेगा कितना कितना एम्पियर है 2, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू कहाँ पहुँच गया वी, तो वी ए माइनस वी वी इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2, तो आई थिंक 9 वोल्ट आंसर हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, इफ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन सोन इन फिगर वी ए बी सॉरी वी बी डी
इन बैलेंस्ड कंडीशन। अच्छा, बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में बात कर लिया इसने, सोच के देखो बी डी, ओहो जीरो, ये तो भी ट्रम ब्रिज है। देखो ना, 2/4 कितना आ रहा है सर, 1/2 आता है। 3/6 ये भी तो 1/2 आता है ना, ये तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और उस कंडीशन में यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो, है ना। तो टक टक जीरो, तभी तो दिस बाय दिस होगा, आ रहा है समय। इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज फाइंड द एडिशनल रेसिस्टेंस यूज टू सीरीज सो दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड। गुड क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना इस सवाल में क्या कह रहा था। कह रहा है कि मेरे पास एक है पी, बेसिकली 7 ओम, और दूसरा है क्यू 8 ओम, फिर है तीसरा 12, और अगला है 7। कह रहा है कि इतना वेटर दिया नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, चलो ठीक है, देखा जाएगा क्या कहानी। कह रहा है 12 में कितना हम जोड़ें कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अगर बैलेंस हो जाए तो वो भी सीरीज में, है ना, इन सीरीज विद, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 7/8 इक्वल टू 12 प्लस में x/7 हो जाएगा, और उसमें दिस बाय दिस इक्वल होना चाहिए, यानी कि 49 इक्वल टू 96 प्लस में 8x हो जाएगा। बात समझ रहे हो, पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तो आई थिंक सीक्वेंस हम जैसा बता रहा है उसके हिसाब से सीक्वेंस बनेगा नहीं, हमको सीक्वेंस अलग बनाना पड़ेगा ना। इसमें क्या कहानी है, इसमें एक है 7, दूसरा 8 हम ले लेते हैं, यहाँ पर इधर ले लेते हैं 8, ठीक है, और तीसरा यहाँ ले लेते हैं 7 8, 12 और 7, है ना, इसमें कर लेते हैं 12 और इसमें कर लेते हैं 7, ठीक है, ओके। और 7 वाले में क्या ऐड करें, 7 वाले में क्या ऐड करें कि मामला बन जाए, देखते हैं इस बार क्या आ रहा है। 7/12 इक्वल टू 8/7 प्लस में x, तो ये हो गया 96 इक्वल टू 49 प्लस में 7x। हाँ, मे बी ये करेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है जो इसका आंसर बन जाएगा। तो 96 माइनस में 49 इक्वल टू 7x हो जाएगा, ठीक है। ये चेक भी कर रहा था कि मामला कहाँ पर, इसमें देखो निगेटिव आ रहा था रेसिस्टेंस, इसलिए एन एक्स का वैल्यू, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं इस वाले कंडीशन। तो कितना हो गया जी, यहाँ से सेपरेट करोगे तो अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं, तो 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 7, और यहाँ से हो गया हमारे पास 4/7। आई थिंक 6 point something कुछ आ रहा है, 5 7, है ना, 6.7 के आसपास में आना चाहिए, 6.72, गुड, ये इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सीक्वेंस मैच करना था, यह सवाल बहुत इजी कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ही बोला जाए इस सवाल को, ठीक है। देखो द गैलवन सोल 52 सेंटीमीटर, है ना, 52 सेंटीमीटर मार्क था, इंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एट द एंड ऑफ, इतना यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ये 52 पर बता रहा है ये, एंड करेक्शन ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर लिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर एंड करेक्शन है, मतलब 1 सेंटीमीटर अंदर धंसा हुआ है वो बॉडी, तो बेसिकली टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा। एंड करेक्शन समझ में आता है क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम कह रहे हैं एक स्केल है, यहाँ से हमने 0 स्टार्ट किया है, बात समझ में आएगी नहीं यार। तो ये जो लेंथ है ये फालतू वाला, देखो ध्यान से ये जो फालतू का लेंथ रह गया दोनों साइड में, देखो अगर नटराज का 621 वाले में इतना सा लेंथ रह जाता है, छोटा सा छोड़ देता है वो, उसको बोलते हैं एंड करेक्शन, क्या उसको, एंड करेक्शन, याद रहेगा। अब अगर हम मान लो यहाँ से ही काउंटिंग स्टार्ट किए हैं, ऐसे लेंथ बता दिया कि नल पॉइंट यहाँ बता दिया है, कह रहा है कि 52 के मार्क पर है, और ऑलरेडी ये 1 सेंटीमीटर आगे घसका हुआ है, टोटल कितना हो गया लेंथ, 52 प्लस में 1 हो गया ना, तो दोनों तरफ जोड़ लेंगे, है ना, बस में। तो बेसिकली ये अगर ये 52 है, तो ये बेसिकली है कितना, 52 इधर से प्लस में 1, इधर से कितना हो जाएगा, टोटल कितना है यहाँ, 52 48 और प्लस में 2,
बात सो गया, 48 प्लस में 2 इधर हो जाएगा, तो बेसिकली कहानी क्या हो जाएगा, x बाय 53 सॉरी इक्वल टू 10 बाय 50। अब यहाँ पर यह बात पता है कि मीटर ब्रिज करता है काम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉम्बिनेशन थ्योरी पर, प्रिंसिपल पर, तो उसका रेजिस्टेंस बाय नीचे कर रहे हैं, इसका रहे हैं बाय नीचे कर रहे हैं, मामला ख़त्म। ठीक है, ये कट गया यहाँ से, यहाँ से क्या 5x इक्वल टू 53, एक्स क्या क्या हो जाए 53 बाय 5, तो ये हो गया 10.6 के आसपास में। क्लियर है, बहुत ही सवाल था, आगे बढ़ते हैं। एंड करेक्शन समझ में आया कि नहीं आया, मैं आगे बता दूं, बैठा नहीं होंगे उतना सब, देखो काउंटिंग इसने यहाँ स्टार्ट किया और ऑलरेडी एक सेकंड हो चुका है और नंबरिंग आ रहा है यहाँ पर 52 पर, 52 वाले मार्क पर आ रहा है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, तो यहाँ से ना 52 है, एक और जुड़ गया ना तो 53 हो गया ना बेसिकली, ये कहानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर शोज 2 वोल्ट, है ना 2 वोल्ट, या 2 वोल्ट, अ पोटेशियोमीटर यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 2.5 वोल्ट सेल। फिगर देखो, फिगर में 1.5 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2.5 वोल्ट, देखो ना ध्यान से, मामला हो चुका कचरा। ठीक है, याद करो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर L1 बाय L2 माइनस 1, जरूरत ही नहीं था, लोअर रेजिस्टेंस मेरे को पता है 10 ओम है और L1 कितना है, सबसे पहले 75 और जब L2 जब लगाता है 65 पर है -1, तो 10 × 10/65 है ना, ये तो सब्ट होगा तो इतना हो जाएगा ना, तो 100/65 ओम हो गया आंसर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, जी 20/13, तो ये हो गया 1 पॉइंट, और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा 1.72, हाँ वही 1.54 के आसपास में आ रहा है, डी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, 1.54 आ रहा है, ये देखो 20/13 करोगे डिवाइड करके इतना आ जाएगा। हाँ चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 10 एम्पियर करंट पासेस थ्रू द कॉपर, ठीक है, द नेट चार्ज आफ्टर 5 सेकेंड इन द वायर इज, 10 एम्पियर करंट पास कर रहा है कॉपर से, बहुत आसान सवाल इसमें कुछ था नहीं, क्यू इक्वल टू होता है आई टी होता है ना, आई है हमारे पास 10 और 5 सेकेंड के बारे में पूछ रहा है, तो 50 कूलम आंसर है ना, ये तो पहले भी सवाल पढ़ चुके हैं। गोल्ड इज हाईली कंडक्टिव मेटल विच ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, बट सिलिकॉन डज नॉट ओबे ओम्स लॉ ड्यू टू लैक ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यही दोनों सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है जो हम लोगों ने अब तक पढ़ चुका है, तो आई थिंक सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बोथ बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए ओबे नहीं करते ओम्स लॉ, हमको ये पता है कि इसमें पी एन जंक्शन वगैरह का जो ग्राफ हो रहा हुआ था तो ये कुछ इस तरह का आता है ना, कहते हैं ठीक है, ये याद है हमको। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल टर्मिनल वोल्टेज इज, चार्जिंग कर रहे होते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ले बताओ, चार्ज कर रहे होते हैं जो हम चार्ज करते हैं किसको, सेल टर्मिनल वोल्टेज इज देने वाला सेल ऑब्वियसली ग्रेटर हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तभी तो वो चार्ज करने लगता है ना, ये बात समझा नहीं समझ में, बात देखो ध्यान से, अगर हमने एक लोड लगा के रखा है और इस हमको यहाँ पर टर्मिनल समझते हो, ठीक है, ये सॉल्यूशन में डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ पर पहुँच चुका है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके फिर यहाँ पर चढ़ाना है तो उल्टा हमको वोल्टेज लगाना पड़ेगा और ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू पहले से, है ना, पहले जो वोल्टेज उससे ज़्यादा लगाएंगे तभी तो रिवर्स करंट फ्लो करेगा, बात समझ, द कनेक्शन बिटवीन रेसिस्टर इन द मेटल ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप बिकॉज थिक कॉपर स्ट्रिप हैव, बस थिक है मोटा है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा कि पतला, कब रेसिस्टेंस होगा, थिक कॉपर स्ट्रिप है, थिक मतलब मोटा, समझ गए, लो रेसिस्टेंस, ठीक है, समझ आया बात, लॉन्ग वायर ऑफ पोटेशियोमीटर गिव्स लोअर वैल्यू ऑफ एक्स, देखो एक बात सुनो,
एक्स का वैल्यू क्या होता है वी ए बी बाय एल। अब सोच के देखो एक्स ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर लेंथ बढ़ाओगे एक्स घट जाएगा, तो कौन घटेगा एक्स, एल नॉट घटने से एक्स जो है हमारा घट जाता है एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन पावर डिलीवर बाय द बैटरी इज मैक्सिमम। बैटरी से जब पावर डिलीवर कर रहा है वो मैक्सिमम तब होगा, पहले बताओ आई का वैल्यू क्या होता है एम एफ बाय आर प्लस में आर। ठीक है, सोच के देखो जब आई मैक्सिमम होगा उसके लिए आर और आर को बराबर होना पड़ेगा, तो इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ए, ये ना बताए थे नीचे का चीज़ को बराबर करो आई मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बस किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सही बात है। सेकेंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए इज करेक्ट आंसर, खत्म। नहीं सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। ठीक है, सब गलत, हाँ सब गलत नहीं, इसमें ये मैच करना है 48 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पहला देखो गया फर्स्ट में, पहचान ले इसको, फर्स्ट ऑप्शन पहचान ले रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है, ये कौन सा ग्राफ है जल्दी बताओ। क्या था है? कुछ नहीं, देखो सी नंबर जो आंसर है ये तो हमको पता है कि सी जो है सेमीकंडक्टर है, ये हमारा सॉरी ये हमारा कंडक्टर है बताए थे कॉपर केस में, और ये जो है नाइक्रोम है। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी 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 दोनों पर हो गया इस बारे में, ये गलत है ये वाला, क्योंकि नाइक्रोम के केस में ज़्यादा बढ़ता नहीं है ना, बहुत कम बढ़ता है ना, तो ये नाइक्रोम हो गया और ये हो गया कंडक्टर। कंडक्टर केस में शुरुआत में रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है ना, शुरुआत में कांस्टेंट ही के आसपास में रहता है। तो देख लो कौन कौन सा आंसर आया, ए का आ गया क्यू, ए का क्यू, बी का आर, बी सॉरी बी का आर और सी का पी, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा। तो इतने थे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव, खत्म हो गए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये कंप्लीट वीडियो, और अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें अपने चैनल को। अगला वीडियो तुरंत आ जाएगा जो कि माइंड मैप होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन देखो मेन हो रहा है कि प्रिपरेशन करने में बहुत समय लग रहा है और मेरे पास समय नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो शूट करूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही आ जाएगा वो वीडियो, उम्मीद करते हैं कल तो आ ही जाना चाहिए, है ना।